हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस के अंदर हमें क्या करना है, एक ऐसा जिसकी मदद से कि हम जैसे अटेंडेंस को कैलकुलेट कर सके, इस तरह की चीज़ें मैंने पहले भी सिखाई हैं। तो आज के इस फॉर्मूले में खास बात यह है कि एक प्री बिल्ड फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वीडियो में। तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ, ये एक्सेस ओपन हो जाएगा। अब आपके पास 2007 है तो 2007 में भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं 2007 ही ओपन कर लेता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप 2007 में ये चीज़ें नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाइएगा और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू डेटाबेस नज़र आएगा, तो बस क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें व्यू पे जाना है, फिर डिज़ाइन व्यू पे जाना है। जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर मैं अटेंडेंस नाम से एक बना लेता हूँ, अटेंडेंस करेंगे, AttendanceE। तो ये अटेंडेंस नाम से हमने एक टेबल बनाया है और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आएगा, क्या आएगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी, इसका डेटा टाइप रखा है ऑटो नंबर, देख ही सकते हैं आप। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा तो अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिख जाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इसमें टेक्स्ट ही रखना है। अगर आप 2016 या उससे अधिक का वर्जन यूज करते होंगे तो उसमें आप शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें अटेंडेंस देना है यहाँ पे। तो अटेंडेंस ओवरऑल परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है कि कितना जो है अटेंडेंस रहा। इसके लिए हम यहाँ लुकअप विजिट पे जाएंगे और लुकअप विजिट पे जाने के बाद आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाके यहाँ प्रेजेंट के लिए हम लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, और एब्सेंट के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो दोनों ही चीजें हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए, तो ये हो गया काम। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का एक आएगा बॉक्स, तो यस कर दीजिएगा। तो यस करते ही आपको यहाँ पर इस तरीके से चीजें दिखाई पड़ेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है ईशा, ठीक है, तो ये लिख दिया ईशा, एक स्टूडेंट का नाम है। और यहाँ से जाएंगे तो ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो देना होगा। यहाँ पे अगले स्टूडेंट का नाम हो जाएगा सुमित, ये सुमित कर दिया हमने। और यहाँ से जाएंगे तो ये जो है प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये देखना होगा, यहाँ पे अमित कर देते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये भी देखना होगा, तो ये प्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे रितेश कर देते हैं तो ये रितेश हो गया। और फिर ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये भी देखना होगा, तो मान लीजिए ये एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक और नाम हीना कर दिया और ये भी प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये देखना होगा, तो यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये हो गया मान लीजिए, और अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करके इसको क्लोज करते हैं, क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास टेबल बनी हुई है पे जाके, और फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके, देन यहाँ पर एसक्यूएल आपको नजर आएगा, इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज किया तो यहाँ पे एसक्यूएल नजर आता है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने का काम करना है, किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो पहले तो इस टेबल को ही आपको क्लोज करना होगा, तो ये जो टेबल आपको दिखाई पड़ी इसको सीधा सीधा क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद क्या करना है, एसक्यूएल व्यू में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट कमांड लिखना है और हमें काउंट करना है, COUNT काउंट, और यहाँ पे एस्ट्रिक लगाते हैं, इसे हम एस्ट्रिक कहते हैं, COUNT काउंट लिखना है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लगाना है एस्ट्रिक आपको, ठीक है। एस्ट्रिक किस तरीके से, ये ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक लिखना है, इसका मतलब कि ये सभी को काउंट करेगा, और किन सभी को काउंट करेगा और उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज टोटल अटेंडेंस, टोटल अटेंडेंस कर दिया हमने। और अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली एंटर करना है, ये एंटर कर दिया। और उसके बाद फिर फ्रॉम कहाँ से ये आएगा, तो ये जो है आएगा अटेंडेंस नाम की टेबल है। अब देखिए टेबल का नाम है अटेंडेंट, तो जो नाम है वही नाम आपको देना है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं फ्रॉम अटेंडेंट, एक मिनट, AttendanceE, अटेंडेंट दे दिया हमने। अटेंडेंट देने के बाद अब क्या करना है, एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेयर, अब कंडीशन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको एक बार यहां से देखना होगा हमें। यहाँ पे हमने अटेंडेंस दिया हुआ है तो जो दिया गया है फील्ड का नेम वही हमें देना होगा। तो यहां पर आकर के AttendanceE अटेंडेंस दिया इज इक्वल टू पी दे दिया यहाँ पे और टर्मिनेट कर दिया।
टर्मिनेट करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दिया और तब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ से जाके और यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल अटेंडेंस काउंट जो है 3 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है ना। अब इसी तरीके से हम दूसरी क्वेरी भी लिख सकते हैं, तो ये प्रेजेंट के लिए क्वेरी लिख दिया हमने, ठीक है, और अब हम एब्सेंट के लिए क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे दे देता हूँ प्रेजेंट क्यू, अब एब्सेंट के लिए क्वेरी लिखना होगा तो सेम यही चीज करना होगा, ठीक है, क्रिएट पे जाके और फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके और इस ये जो टेबल ओपन हुई है इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ से एसक्यूएल। अब यहाँ पे सेलेक्ट कमांड हमें लिखना होगा और सेलेक्ट कमांड लिख करके फिर यहाँ पे CUNT काउंट और एस्ट्रेक लगाना होगा, एस्ट्रेक यानी यही मल्टीप्लाई वाला सिंबल, ये लगा करके और एज एब्सेंट काउंट, एब्सेंट ABSENT एब्सेंट, एब्सेंट ही कर देते हैं, एब्सेंट अंडरस्कोर लगा के काउंट कर देते हैं, एब्सेंट काउंट, हम यहाँ पे एब्सेंट काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एब्सेंट काउंट दे दिया। और ये आएगा कहां से फ्रॉम, तो टेबल का नाम हमने अटेंडेंस दिया है, जो टेबल का नाम होगा वही देंगे, ATENDANE ये अटेंडेंस हो गया। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर कंडीशन दे देंगे वेयर। अब देखिए अब यहां पर आते हैं थोड़ा सा वापस, ये देखिए ये ध्यान दीजिएगा अटेंडेंस दिया गया यहां पर, तो जो दिया गया वही लिखना है। तो फिर आ जाइए यहाँ पे ATENDANCE अटेंडेंस दे दिया इज इक्वल टू, इस बार क्या करेंगे ए लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर जब आप जाते हैं इसको टर्मिनेट भी करते हैं, इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ए लिखा है हमने, या तो ए है या तो पी है, या तो एब्सेंट है या तो प्रेजेंट है, तो जो दिया गया वही लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से लिख के टर्मिनेट कर दीजिए और ये टेबल को क्लोज जरूर कर लीजिएगा, देन इसको डिजाइन पे जाके रन करवा लीजिए। तो रन करवाते ही यहाँ पर ये बता रहा है कि 2 लोग एब्सेंट हैं, तो यानी प्रेजेंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है और एब्सेंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बेहद आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें बढ़ता है, जैसे मान लीजिए इसमें संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट वालों को कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे संख्या बढ़ेगी ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप जाइए प्रेजेंट, ठीक है, तो आप प्रेजेंट वाली संख्या और एब्सेंट वाली संख्या दोनों ही कैलकुलेट होती रहेंगी। अब इसको मैं एब्सेंट के नाम से सेव करता हूँ, एब्सेंट ये एब्सेंट के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ देखिए एक और हमने यहाँ पे एंटर करवा दिया है, तो अब प्रेजेंट वाले पे चलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 आ गया, देख रहे हैं कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, जरा काउंट कीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, अपने आप ही अपडेट भी हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर एब्सेंट दे देते हैं तो भी अपडेट हो जाएगा, जैसे के लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ए कर देते हैं। तो देखिए अभी ए कर दिया ना, तो अभी एब्सेंट वाला टेबल ओपन करते हैं और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा, हो गया ना 3। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।